तो वीडियो वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। वो लड़का फैन पर अटैक कर देता है, जिसको देखकर वो भी हल्की सी स्माइल करता है कि आ जाओ बीसी। वो लड़के का अटैक लगता तो है लेकिन फैन को नहीं, क्योंकि उसके आसपास एक बैरियर फॉर्म हो जाता है जो कि उस अटैक से फैन को बचा लेता है। और ये देखकर लड़का पूरी तरह से हिल जाता है कि क्या इम्पोसिबल, ये हो ही नहीं सकता। और हमें अब पता चलता है कि वो बैरियर मेन कैरेक्टर के पेंडेंट से निकला था। और तभी उससे एक पावरफुल ऑरा निकलता है जिसके कारण वो लड़का दूर उड़ जाता है। और इस कांड को देखकर सारे लोगों की तो गोटे मुंह में आ जाते हैं। कोई तो बोलता है बाप रे ये तो एक इंसेक्टर ड्रैगन ऑरा है जो कि उस पेंडेंट से निकला। और वो लड़का उड़ते हुए डायरेक्ट एक चट्टान से जाकर टकराता है जहां पर फैन भी लाए। नुबड़ा कहीं का साला, जिंदगी इतनी छोटी है और करने के लिए बहुत सारी चीजें, फिर भी ये यहां पर मरवा रहा है। और सीन अपने सिस्टम पे शिफ्ट होता है जहां पर वो लिटरली टूट चुकी थी और रोते हुए बोलती है अरे यार आखिर मैं जिंदा क्यों जब मेरा कोई काम ही नहीं है। फैन भी लाइक लगता है मकसद पूरा नहीं हुआ, क्यों सिस्टम हैज बीन डिफीटेड, नाइस। और अपने पेंडेंट को हटाते हुए बोलता है तो बुढ़ो बोल देख लिया ना तुम्हारे डिसाइपल का कारनामा, देखो वक्त रहते ही सुधार लो वरना वो दिन दूर नहीं होगा जब तुम्हारे डिसाइपल अपने प्राण को बचाने के लिए प्रतिष्ठा में तुम्हारी गेंद मार लेगा गेंद। बुढ़ो भी थोड़ा डरते हुए बोलता है अरे अरे आप प्लीज गुस्सा मत करिए, मैं इसको जरूर सबक सिखाऊंगा। वो भी लाइक साला इस लोंडे के चक्कर में मेरा पूरा मूड ही खराब हो गया। और जाते हुए चांग से बोलता है तो मैडम अब सब कुछ तुम देख लो क्योंकि ये इवेंट तुम्हारा ही था, और हाँ अगली बार से ये सब दोहराना नहीं चाहिए, समझी। वो बोलती है जी जी बिल्कुल आप अपना ध्यान रखिएगा। और पूरे गुस्से में साले तेरी माँ का, क्या तुझे पता भी है यंग मास्टर को बुलाने के लिए मैंने क्या क्या पापड़ बेले थे, और जब वो यहाँ पर आ गया तब तुमने अलग ही तरह का चुतियापा कर दिया। और ये सुनकर लड़का बोलता है अरे अरे प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, यहाँ पर जो भी नुकसान हुआ ना मैं उसकी भरपाई कर दूंगा। वो भी लाइक क्या कहा भरपाई, तो ठीक है जो भी तू मुझे देने वाला है ना उसको ले और अपनी गांड में डाल ले, समझा। और लात मारकर उसको बुढ़ऊ सहित बाहर निकाल देता है और बोलती है अगर दोबारा यहाँ पर नजर आए तो गोटे काटकर नपुंसक बना दूंगी। बुढ़ऊ भी लाइक बाप रे ये तो कुछ ज्यादा ही डेंजर निकली, साला नपुंसक बनाने की बात कर रही है। तभी लड़का गुस्से में बोलता है बुढ़ऊ तो माई के, जिसे सुनने के बाद वो भी क्या तुम मुझे गाली दिया। वो भी हाथ दिया तुम कमीने बुढ़े कहीं के, ये नहीं कि मेरा साथ दो बल्कि तुमने उसका ही साथ दे दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका बैकग्राउंड बड़ा है, अगर तुझे बड़ी चीजें इतना ही पसंद है तो ले मेरा भी बड़ा है ये ले चूस ले। और ये सुनकर बुढ़ऊ की तो कुछ ज्यादा ही सटक जाती है, फिर क्या वो पेल देता है डिसाइपल को और बोलता है तुम नल्ले कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की बातें करने की, और क्या तुझे अंदाजा भी है अगर वो लड़का मर जाता तो क्या होता, तुम भी मर जाते और यहाँ तक कि तुम्हारी पूरी फैमिली भी, और हमारे सेट को बंद भी करना पड़ता, बीसी पूरा नरसंहार हो जाता नरसंहार, समझे। वो भी लाइक अगर मैं इतना ही नुबड़ा और गलत हूँ तो क्यों ना मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ। बुढ़ाऊ भी हैं अरे रुको रुको आखिर तुम जा कहाँ रहे हो, और सोचता है लगता है आज मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, अच्छा हुआ कि वो थोड़ी देर अकेला ही रहे। फिर सीन चेंज होता है जहाँ पर वो लड़का गुस्से में वॉल को पंच मारे जा रहा था और रोते हुए बोलता है कमीने कहीं के देखना एक दिन तुम मरोगे और मेरे ही हाथे मरोगे। तभी पीछे से कोई तो बोलता है ओह लगता है उसने तुम्हें भी पेल डाला, क्यों नाइस, क्या तुम सच में फैन को मारना चाहते हो, वो भी आखिर तुम सब हो कौन, वो जरूरी नहीं कि हम सब है कौन, जरूरी तो ये है कि क्या तुम सच में फैन को मारना चाहते हो, अगर हाँ तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। लड़का बोलता है ठीक है मैं कसम खाता हूँ अगर वो मरेगा तो सिर्फ मेरे हाथों मरेगा। सीन चेंज होता है और हमें लोअर रेसिडेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर आहू की आवाज आ रही थी कि बीसी और करो क्या मजा आ रहा है, आह आह थोड़ा नीचे आह क्या मजा आ रहा है। तुम लोगों को क्या लगा घपघप हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं बल्कि यहाँ पर मालिश चल रहा है मालिश। वो भी लाइक ओह माय गॉड इसे कहते हैं जिंदगी। तभी सिस्टम बोलती है क्या नल्ला इंसान है सच में तुम्हारा कोई भी सपना नहीं है इस दुनिया में। अबे ओए तू सही बातें कर रहे हो क्या, तुझे सुनाई नहीं दे रहा, तुझे तो सर मारनी चाहिए क्योंकि इस तरह की गोल्डन अपॉर्चुनिटी को तूने वेस्ट कर दिया, और इस तरह की अपॉर्चुनिटी किसी इंसान को बहुत किस्मत से ही मिलती है, समझा। और ये सुनने के बाद वो भी मन ही मन सोचता है घंटा की अपॉर्चुनिटी, मैं तो पहले से ही परफेक्ट हूँ मुझे किसी सिस्टम की जरूरत नहीं। वो बोलती है नहीं बताओ तुम्हें क्या लगता है ये प्रोटेक्टिव आर्टिफैक्ट आखिर तुम्हें कितने दिन तक बचा लेंगे, जिसे सुनने के बाद वो भी फुल जोश में खड़ा हो जाता है सही कहा तुमने आर्टिफैक्ट अब याद आया, और ये बोलकर वहां से भाग जाता है। सिस्टम भी लाइक ओहो गजब लगता है फाइनली तुमने कल्टीवेट करने के बारे में डिसाइड कर ही लिया नाइस। और मेन कैरेक्टर के पीछे आते हुए बोलती है मुझे पता था कि तुम एक दिन मेरी बातों को जरूर सुनोगे। फैन भी लाइक थैंक यू यार मुझे याद दिलाने के लिए मैं तो सच में इसके बारे में भूल गया था। वो भी लाइक अरे नहीं यार यही तो सिस्टम का काम होता है होस्ट को सब चीज याद दिलाना तभी तो तुम अच्छे से कल्टीवेट कर पाओगे। और तुम लोग देख ही सकते हो कि अपना मेन कैरेक्टर कुछ तो खोज रहा था और एक ड्रावर को खोलता है जिसमें बहुत सारे इंसेक्टल ड्रैगन बॉडी पेंडेंट होता है और ये देखकर सिस्टम की तो होंसी उड़ जाती है। मेन कैरेक्टर भी लाइक है अब बारी है न्यू पेंडेंट पहनने की नाइस, और जाते हुए बोलता है मसाज में आ रहा हूँ टै टै टै। और तुम लोग देख ही सकते हो सिस्टम का रिएक्शन किस तरह से था भाई सच में यार साला फर्स्ट एपिसोड से ही देख रहा हूँ सिस्टम का बार बार रोस्ट हो जा रहा है। वो
बोलती है, सच में अब बहुत हो गया, बहुत हुआ नॉर्मल सिस्टम की तरह एक्ट करना, अब मैं वो करूंगी जो मेरा मन करेगा। फेन भी लाइक है, मन करेगा आखिर तू करने के चाहती है, तो ठीक है ये देखो युआन गैदरिंग फ्रूट, अगर तुमने इसको एक बार खा लिया ना तो समझो 100 दिनों का कल्टीवेशन में जितना फायदा होगा ना वो सिर्फ तुम्हें इंस्टेंट मिल जाएगा, बस तुम्हें सुस्ती छोड़कर बस थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। तो बोलो मंजूर है? वो भी लाइक क्या कहा, महिना सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और ये सुनने के बाद वो भी पूरी तरह से हिल जाती है, वो बोलती है तो कोई बात नहीं अगर फ्रूट पसंद नहीं आए तो क्या हुआ मेरे पास कुछ और भी है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है, जेट कोरल नॉनसेंट सोल फ्रूट और बोधी फ्लावर, अब बोलो नहीं ये सभी नहीं चाहिए, तो फिर ये तो जबरदस्त है ना, बस थोड़ा एफर्ट लगाओ फिर सारा का सारा ट्रीजर तुम्हारा। अरे यार मैंने कह दिया ना मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपना मसाज करवाना है। वो भी लाइक अब तुमने कुछ ज्यादा ही फोर्स कर दिया, लगता है मुझे मेरे ट्रम्प कार्ड निकालना ही पड़ेगा। और तभी कुछ निकालते हुए बोलती है टाटा, इसके बारे में क्या ख्याल है, ये एक 9 टर्न सिल्वर स्टार फाइव ट्री है जिसके हर एक ब्रांच को उगने में कम से कम 100 साल तो लग ही जाते हैं, और ये तुम्हारे सोल को भी बहुत अच्छे से नरिश कर देगा। जिसे देखने के बाद वो बोलता है ये मुझे ठीक ठाक लग रहा है। जिसे सुनने के बाद वो भी लाइक क्या कहा, बस ठीक ठाक, तुम्हें शायद इस पेड़ के वैल्यू के बारे में नहीं पता, ये एक टॉप टायर सेलेस्टियल स्पिरिचुअल प्लांट है जो कि इस वर्ल्ड में कुछ ज्यादा ही रेयर होती है समझे। तभी अपने मेन कैरेक्टर को पुकारते हुए एक बूढ़ा हुआ आता है जो कि उसका सेकंड ग्रैंडफादर होता है, और हाँ ये एक टॉप टायर अल्केमिस्ट भी है। फेन भी लाइक अरे सेकंड दादू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोई काम था क्या? वो बोलता है अरे पोते तुमने तो सच में कमाल कर दिया, क्या आइडिया दिया था तुमने मुझे, तुम्हारी वजह से आज लिहुआ मेरे साथ इतना क्लोज आई है। और तभी वो उस ट्री को नोटिस कर लेता है, वो भी लाइक क्या ये 9 टर्न सिल्वर स्टार फाइव ट्री है। सिस्टम भी लाइक देखा आखिर कोई तो मिला जो इस ट्रीजर का वैल्यू को समझ पाया, नाइस। फेन बोलता है दूसरे दादू क्या आप इसके बारे में जानते हैं? और ये सुनने के बाद दादू तो अपने ही घमंड में, अबे हटाओ बीसी ये सब तो एक फालतू सा कचड़ा है, और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, ये लो पिल्स हैं, ये इस फालतू पेड़ से तो अच्छा ही है जो कि तुम्हारे सोल को भी नरिश कर देगा, वो भी बिना साइड इफेक्ट के समझे। और ट्रीजर को टूटता देखा अपने सिस्टम का ये हाल, फेन भी लाइक अरे वाह दद्दू आपने तो गजब कर दिया गजब, देखो इसमें ज्यादा तो नहीं है लेकिन 200 या 300 के आसपास पिल्स तो जरूर होंगे जो कि तकरीबन कुछ सालों तक तो चली जाएगा। और अपने सिस्टम भी लाइक साले भोंसली वाले दादा पोता मुझे चैन से अपना काम भी नहीं करने देते। और इतना बोलते ही एपिसोड खत्म हो जाता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, सो थैंक यू।